हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जो कि भोपाल से सिर्फ 40 किलोमीटर है। यहां पे है भीमबेटका केव्स, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्री हिस्टोरिक टाइम की मैं बात करूं तो लाखों साल पहले यहां पे आदि मानव रहा करते थे, और ये गुफाएं जिनको मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये ना सिर्फ आदि मानवों का घर हुआ करती थी, यहां की गुफाओं की दीवारों को उन्होंने कैनवस की तरह यूज़ करके काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग रॉक पेंटिंग्स और वॉल पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें मल्टीपल कलर्स का भी यूज़ हुआ है। वो सारी चीज़ें आज भी इंटैक्ट हैं, और वो क्या क्या रॉक पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ भीमबेटका केव्स। भोपाल से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर ऐसी कमाल की जगह है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुराने ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट होने के निशान पाए गए। या फिर यूं कहिए कि ये इंसानों के ऐसे घर थे जहाँ पर इंसान 1 लाख साल पहले रहा करते थे। तो इस तरीके से आपको भीमबेटका में आने के पहले चेक पॉइंट पड़ेगा, और चेक पॉइंट पर आपको लेनी पड़ेगी एंट्री स्लिप। टू व्हीलर्स अगर आप आते हैं तो उसके चार्जेस हैं 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से। यहाँ पे चार्जेस नहीं है, गाड़ियों के हिसाब से चार्जेस है। तो टू व्हीलर के 50 रुपीज़, और अगर फोर व्हीलर कार वगैरह से आते हैं तो उसके 150 रुपीज़ इस तरीके की आपको स्लिप मिलेगी। तो भीमबेटका में आने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग मैंशनड है यहाँ पे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और 6 बजे के पहले पहले ये पूरा एरिया यहाँ से खाली करना मैंडेटरी होता है। तो गाइस, इस लोकेशन की जो खोज करी थी वो करी थी मिस्टर वीएस वाकांकर जी ने, विष्णु श्रीधर वाकांकर जी ने, इन द ईयर 1957, और इस खोज के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। सो मेरे तरफ से दिल से अ बिग थैंक्स टू मिस्टर वीएस वाकांकर। वैसे तो सराउंडिंग्स में लगभग 700 से ज़्यादा केव्स यहाँ पे पाई गई थी, बट फिलहाल सिर्फ 15 केव्स हैं जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन करी गई हैं, और इन सभी केव्स में आपको कुछ ना कुछ वॉल पेंटिंग्स और रॉक पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करी हुई है हर शेल्टर केव के सामने विथ डिटेलिंग। तो ये वाली वॉल पेंटिंग आप देखिए, इसमें एक हाथी बनाया गया है, दूसरा बनाया गया है हाथी, हाथी के ऊपर एक आदमी जो उसको हाथी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रॉक शेल्टर नंबर 1 में इस जगह खुदाई के दौरान कुछ पत्थर के बने धारदार हथियार पाए गए थे, जिनको फिलहाल में प्रिजर्व करके मानव संग्रहालय म्यूजियम भोपाल में रखा गया है। यह है रॉक शेल्टर नंबर 2। इसमें नीचे की तरफ कुछ वॉल पेंटिंग्स हैं जो कि थोड़ी बहुत फेड हो चुकी हैं। समय के साथ पुराने होने के कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स हल्की सी डल हो गई हैं। तो ये थे रॉक शेल्टर नंबर 1 एंड नंबर 2। अब चलते हैं ऑडिटोरियम रॉक शेल्टर के अंदर। किंवदंती है कि महाभारत काल में भीम जी ने यहाँ पे बैठक लगाई थी। एक रॉक था बहुत बड़ा सा, इस ऑडिटोरियम में वो अपना दरबार और बैठक लगाया करते थे। तो अंदर चलते हैं ऑडिटोरियम केव के। तो गाइस, ये है ऑडिटोरियम रॉक, और इसका नाम दिया था श्री वाकांकर जी ने, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस था तो दिखने में ये एक सभागृह जैसा दिख रहा था। ऐसे कुछ वाकांकर जी को भी महसूस हुआ और उन्होंने इसका नाम रख दिया द ऑडिटोरियम रॉक। यहाँ पे आसपास के गांव के लोगों का मानना है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर किसी एक पत्थर पर महाबली भीम ने बैठकर तपस्या करी थी। बस तब से ही इस जगह को भीमबेटका नाम से भी जाना जाने लगा। तो यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की रॉक पेंटिंग यहाँ पे दिखी है मुझे। और ये ऑडिटोरियम केव में ही कुछ कपियूल्स के निशान भी दिखे हैं। काफ़ी साइंटिस्ट रिसर्च भी करके गए हैं कि ये जो कपियूल्स बने हुए हैं, इन कपियूल्स के पीछे क्या रीज़न रहा है, क्यों ये बनाए गए थे। इसी तरीके से छोटे और बड़े काफ़ी साइज़ के कपियूल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि ये। और ध्यान से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन फेस फॉर्मेशन दिखेगा, आईज और ये नाक और ये फेस। कल जब खुदाई कर रही थी उस समय यहाँ से एक आदि मानव का स्केलेटन मिला हुआ है, नर कंकाल। हाँ। इसकी हाइट बताई गई है 7.5 फीट 6000 वर्ष पुराना है, पूना के म्यूजियम में रखा हुआ है सर।
तो गाइज ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है ये ग्रेवयार्ड है और 7.5 फीट हाइट का एक स्केलेटन यहाँ से पाया गया था वाकंकर जी ने जब खोज करी थी उस दौरान। और वो जो स्केलेटन है उसको अभी पुणे के डेक्कन कॉलेज में रखा गया है और प्रिजर्व करके रखा गया है अंडर ऑब्जर्वेशन। तो गाइज ये है रॉक शेल्टर नंबर 4 और इस रॉक को जू रॉक नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जानवरों की पेंटिंग बनाई हुई है, जानवरों की रॉक पेंटिंग्स बनाई हुई है। जैसे कि इसमें आपको बुल दिखेगा, हिरण दिखेगा और बुल को राइड करते हुए एक आदि मानव की इमेज भी यहाँ पे पेंट करी हुई है। ये रॉक पेंटिंग्स आज भी प्रिजर्व्ड इसलिए हैं क्योंकि मैक्सिमम रॉक पेंटिंग्स जो बनाई गई है वो अंदर की तरफ बनाई गई है मशरूम कट रॉक्स के। जू रॉक की फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पेंटिंग नहीं है, सारी पेंटिंग अंदर की तरफ है इस लोकेशन में। और अब मैं पहुँच गया हूँ व्यू पॉइंट की तरफ जहाँ से पूरे के पूरे शहर का अच्छा खासा नज़ारा मिलता है और एक टर्टल रॉक फॉर्मेशन भी यहाँ पे, नेचुरली मेड टर्टल रॉक फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने मिलेगी। ये है रॉक शेल्टर नंबर 8 और यहाँ पे भी काफ़ी सारी वॉल पेंटिंग्स आपको देखने मिलेंगी और ख़ासकर यहाँ पर रेड कलर का ज़्यादा उपयोग किया गया है। और इस केव के अंदर भी कुछ वॉल पेंटिंग्स हैं बट पूरी तरीके से वो एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं बची हैं जैसी बाकी पेंटिंग्स हैं। ये देखिए तो रॉक शेल्टर नंबर 9 में कुछ चीज़ें जो मेरे को समझ में आई हैं और यहाँ पे मेंशन भी है। यहाँ पे एक मैमथ की इमेज बनाई हुई है, उसके ऊपर हंटर बैठा हुआ है, उसके पीछे उसके फॉलोवर्स हैं जो कि आर्मी चलती थी उनकी, साथ में एक अरेबियन हॉर्स क्योंकि उस टाइम तक अरेबियन हॉर्स आ चुके थे तो उसकी उन्होंने एक इमेज बताई है जो कि 3000 साल बाद की बात है। एंड नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है एक फ्लावर पॉट, उसमें फूल है, फूल के नीचे गमला भी है, ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है दैट इज़ दी फ्लावर एंड दी फ्लावर पॉट। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे वो है सीढ़ियाँ, स्टेयर्स। सोचिए आप इतने साल पहले उन्होंने स्टेयर्स वगैरह भी बना ली थी लाखों साल पहले। और यहाँ पे आप देखिए वाइट कलर का यूज़ हुआ है और दूसरा कलर जो प्राइमरीली यूज़ हुआ है वो है येलो। यहाँ पे बेसिकली 4 कलर्स आपको देखेंगे वॉल पेंटिंग्स में जो यूज़ हुए हैं, वाइट, रेड, येलो एंड माइल्ड सा ग्रीन कलर जो कि विजिबल है आज की डेट में, थोड़ा कम विजिबल है बाकी कलर्स के कंपैरेटिवली। और जो पेंट जिस चीज़ से बनाया था उन्होंने वो हुआ करता था पेड़ की छाल, कहते हैं सागौन की लकड़ी की छाल को पीस के उसमें ब्लड मिलाते थे जानवरों का और कुछ आयरन और ओर के कंपोनेंट्स उनको मिल जाते थे स्टोन में से, तो उसको मिक्स करने के बाद वो पेंट बनाया करते थे और उससे उन्होंने गुफा की दीवारों को कैनवस की तरह यूज़ करा और वो सारी पेंटिंग्स उससे बनाई है जो कि आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। और रॉक शेल्टर नंबर 10 में मैं आपको दिखाऊंगा प्री हिस्टोरिक टाइम में आदि मानव लोगों का बेडरूम कैसा होता था। तो गाइस ये है नेचुरली फॉर्म्ड केव और इसको आदि मानव आज से लाखों साल पहले एक बेडरूम की तरह यूज करा करते थे। और इसके दूसरे एंड पे इस तरफ एक रोशनदान भी है नेचुरल वेंटिलेशन के लिए। हाँ 3 बजे का टाइम हो चुका है और पूरा का पूरा ये लोकेशन खाली हो चुका है, वेकेटेड है और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा शांति है और शायद इसीलिए प्री हिस्टोरिक टाइम के लोग भी यहाँ पे आके बसा करते थे। और कहते हैं 700 से ज़्यादा गुफाएं यहाँ पे टोटल मिली है जिसके अंदर वॉल पेंटिंग्स मिली गई, देखी गई हैं।
बट सिर्फ 15 को ओपन करा गया क्योंकि वो पूरी की पूरी 700 गुफाएं जो हैं वो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं। तो इतना लंबा एक लोकेशन को टूरिज्म पॉइंट से ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, रातापानी वाइल्ड लाइफ। और रातापानी एक और ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि टाइगर साइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है भोपाल और नियर बाई एरिया के अंदर। फिलहाल मैं जा रहा हूँ रॉक शेल्टर नंबर 11 को देखने के लिए और जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ की मशरूम कट रॉक फॉर्मेशन के लिए। तो आपको दिखाता हूँ मशरूम कट रॉक। और ये मशरूम रॉक शेल्टर पे एक बहुत बड़ी वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर की रेड कलर में इमेज बनी हुई है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा इस चट्टान के ऊपर एंड वो चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वो बनी है वाइल्ड बोर की एक बहुत बड़ी सी रेड कलर में इमेज। गाइस ये देखो नेचुरली फॉर्म्ड होल। वेदर एंड केमिकल इरोजन के कारण ये ऐसे होल्स बन जाते हैं, बारिश की बौछार पड़ती है फिर उसके बाद केमिकल और वेदर इरोजन के कारण ऐसे गड्ढे आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने मिलेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े चट्टानों में ऐसे मीडियम साइज़ और बड़े साइज़ के गड्ढे भी आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे, जैसे कि छोटी सी कोई शेल्फ बनी हुई हो सामान वगैरह रखने के लिए उस टाइम भी। लाखों साल पहले कैसे उन लोगों ने ऐसी चट्टानों को चूज़ किया जिसके नीचे वो शेड लेके अपने फैमिली के साथ रह सकें। हिस्टोरिकल पीरियड के वॉल पेंटिंग्स हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे वॉरियर्स दिखेंगे, हंटिंग करते हुए कुछ घुड़सवार दिख रहे हैं, उनके हाथों में कुछ हथियार भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकल पीरियड की थी। और इस वाली वॉल पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ घुड़सवार हैं और उनके पीछे पीछे एक छोटी सी आर्मी की वॉल पेंटिंग बनाई हुई है। साथ ही साथ ये लोग जा रहे हैं हंटिंग में क्योंकि सबके हाथों में स्टोन एज के लगभग पत्थर के हिसाब के बने हुए धारदार हथियार यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये रॉक शेल्टर नंबर 6 में आपको देखने मिलेंगे गेरुए रंग के कुछ इमेजेस जिसमें लोग हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, जैसा कि एक आर्मी यूनिट चलती है किसी वॉर में जाने के पहले, या फिर दूसरे उसमें लग रहा है मुझे कि कुछ डांस फॉर्म हो रहा है उसको उन्होंने डिपिक्ट करके बताया है। कलर जिसका ज़्यादा यूज़ हुआ है यहाँ पे वो है गेरुआ रंग। और नीचे की तरफ आप देखेंगे कोई जंगली जानवर है उसके ऊपर दो लोग सवारी कर रहे हैं, साथ में उसके पीछे पीछे तीन लोग हाथ में हाथ डाल के और कुछ हथियार है उनके हाथ में स्टोन एज के टाइम का। तो लगभग मैंने 13 से 14 केव्स अभी हो गई हैं, एक छोटा सा केव और बचा होगा, अदरवाइज आप सीधे बाहर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। यस ये दिस वाज द लास्ट केव और यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट करते हैं। 4:45 हो चुका है, 5 बजे वार्निंग विसल बज जाती है, गार्ड्स बजा देते हैं और 6 बजे के पहले पूरा का पूरा ये एरिया को इवैक्यूएट करना होता है। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, दिस इज योगी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।